यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना सबको क्वेश्चन? ओके सो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन शायद हम लोगों ने किया है बट मैं फिर से कर रहा हूँ, और जिन बच्चों का नहीं बनेगा वो लोग ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, 5 to the power n+2 माइनस 5 to the power n+1 होल डिवाइडेड बाई 5 to the power n+3। चेक करो तो ये क्वेश्चन बनेगा क्या आपसे? इसमें क्या करना है सबको समझ में आ रहा है? पहले ये बताइए आप लोग। यस सर। ओके ट्राई करिए आप लोग। ट्राई करो आप लोग, नहीं बनेगा फिर मैं बताऊंगा। बनेगा क्या आपसे? मैं सर करना बताऊं? है। बोलिए। सर कर रहे हैं। ओके ओके ट्राई करिए आप लोग। आवाज आ रहा है? यस सर। आवाज आ रहा है? हेलो सर अब लो हो गया आपका वॉइस। अभी ठीक है? यस सर। ओके ओके सारे बच्चों से बन रहे हैं क्या क्वेश्चन? दीपिका, ईशानी, सत्यम, आप लोग बना पाएंगे क्वेश्चन को? ओके सर बना रहे हैं। ठीक है ट्राई करिए बाबू। बनेगा आपसे कि मैं बताऊं? सर बता दीजिए। बता दूं? ओके देखो यहाँ पे ठीक है, करना क्या था हम लोगों ने रूल पढ़ा था, याद है सबको? देखिए तो आप लोग एक रूल पढ़े थे, आप लोग याद है कि a to the power m into a to the power n = a to the power m+n, ये रूल याद है सबको, फर्स्ट का रूल? यस सर। ओके देखिए समझिए क्या कॉन्सेप्ट है। अगर ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन है, ठीक है, तो ऐसे फॉर्म्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, है ना? हम लोगों ने ये रूल पढ़ा था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखा था कि दोनों का बेस अगर सेम है, दोनों मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो पावर आपस में क्या होता है? ऐड हो जाता है। ये पढ़ा था ना? यस सर। ओके तो क्या मैं इस ए टू द पावर एम प्लस एन को ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ क्या फिर वापस? यस सर। ओके देखो यहाँ पे इस यहाँ पे अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। 5 का पावर n+2 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो तो 5 का पावर n into 5 का पावर 2, कोई दिक्कत है? बोलो। नो सर। ओके फिर माइनस 5 का पावर n+1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 का पावर n into 5 का पावर 1, कोई दिक्कत? नो सर। ओके डिवाइडेड बाई देखो 5 का पावर n+3, इस 5 का
का पावर एन प्लस थ्री को फाइव का पावर एन इंटू फाइव का पावर थ्री के फॉर्म्स में लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम हो रही है बोलो? नो सर। ओके, अब देखना है आपको क्या, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ ध्यान से समझो, ठीक है? मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है? मैंने जो रूल पढ़ा था उस रूल का यूज कर लिया मैंने, ओके? अब क्या करना है ध्यान से समझो, यहाँ पे आपको दिख रहा है फाइव का पावर एन, यहाँ पे आपको दिख रहा है फाइव का पावर एन, ऊपर में देखो फाइव का पावर एन कॉमन जाएगा क्या? यस सर। तो यहाँ पे बचेगा फाइव का पावर टू माइनस यहाँ बचेगा फाइव का पावर वन, ओके? और नीचे में देखो फाइव का पावर एन इंटू फाइव का पावर थ्री, ये समझ में आ रहा है? यस सर। ये फाइव का पावर एन, फाइव का पावर एन कटेगा क्या देखो तुम? हाँ सर। यहाँ पे फाइव टू पावर टू माइनस फाइव टू पावर वन, तो फाइव का पावर टू कितना होता है? 25 माइनस 5 होगा, डिवाइडेड बाय 5 का पावर 3 कितना होता है? 125 होता है। यस सर। ओके, ये होता है ना? तो आप चेक करो आपका सॉल्व करने पे आएगा 20 बाय 125 आएगा क्या? अगर हम इसको 5 के टेबल से सॉल्व करें तो ये 4 बार में, 5 के टेबल से ये कटेगा 25 बार में, आपका आंसर कितना आ गया? 4 बाय 25। ये समझ में आया सबको? यस सर। ओके, कॉपी कर लीजिए आप लोग। आप लोग कॉपी कर लीजिए। सर हो गया। हो गया ना? यस सर। सबका हो गया ना? नो सर। ओके ओके, कॉपी कर लीजिए। सर हो गया। हो गया ना? ओके, इसके बाद ये क्वेश्चन बना पाओगे देखो तो? ट्राई करो। बनेगा क्या आपसे? ट्राई करो। ओके ओके, ट्राई करिए आप लोग। याद है ना फॉर्मूला, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा इसके पीछे पता है ना आप लोग को? ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन, याद है ना फॉर्मूला? ए टू द पावर एम इंटू एन, ओके? सर आंसर निकला है। कितना है आपका? -2/3 होल टू द पावर 6। ओके वेरी गुड, इसको आप ब्रेक कर सकते हो क्या? मतलब एग्जैक्ट वैल्यू कितना आएगा वो बता पाओगे? मतलब -2/3 होल टू द पावर 6 को ब्रेक दो।
ये बन रहा सबका, माइनस टू बाई थ्री को होल्ड द पावर सिक्स तक सबका बना। यस सर, बन गया ना। तो थोड़ा सा बाकी है। ओके, दीपिका, दिवांश, ईशानी, सत्यम, आप लोग का बना बाबू? हाँ सर, सिर्फ मम्मी आएगा 64/729। वेरी गुड ईशानी। आंसर होगा 64/729, है ना? सर माइनस भी होगा। नहीं नहीं, अब देखो आपको मैं एक चीज बताना चाह रहा था, यहाँ पे देखो, ठीक है? देखो जिन बच्चों का हो गया ठीक है, जिन बच्चों का नहीं बन रहा, यहाँ पे देखो पहले दो पॉइंट को नोट कर लो आप लोग। क्या नोट करना है? अगर माइनस है, ओके, माइनस ए लिखा हुआ एक नंबर है, तो माइनस ए का होल्ड द पावर अगर इवन नंबर हो रहा है, क्या हो रहा है? इवन नंबर, तो ये प्लस ए हो जाएगा, ठीक है? माइनस का पावर अगर इवन नंबर हो रहा है तो ये प्लस हो जाता है, और अगर माइनस ए का पावर अगर ऑड नंबर है, क्या है? ऑड नंबर है, तो वो माइनस बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आपका जो ओवरऑल आंसर आएगा वो था माइनस टू बाई थ्री का होल्ड टू द पावर सिक्स। सिक्स क्या है, इवन है कि ऑड है? इवन है ना? यस सर। तो माइनस टू का पावर इवन प्लस हो जाता है, ये समझ लीजिए। ये दो पॉइंट नोट कर लो आप लोग। और ऐसा कोई बच्चा है जिनका ये क्वेश्चन बना? ओके ठीक है, मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए क्या करना है। बोलो माइनस थ्री बाई टू होल्ड द पावर, देखो ये टू और ये माइनस थ्री पहले मल्टीप्लाई होगा, ये तो पता है आपको, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने रूल लिख दिया है। ये कितना होगा बोलो? माइनस सिक्स होगा। अब ये माइनस थ्री बाई टू का पावर माइनस सिक्स है, इसका क्या करें? तो हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद करो कि ए टू द पावर माइनस एन रहता है, तो उसको हम लोग वन बाई ए टू द पावर एन लिख सकते हैं, ऐसा याद आ रहा सबको? यस सर। ओके, तो हम लोग लिखेंगे 1 बाई माइनस थ्री बाई टू होल्ड द पावर सिक्स, कोई दिक्कत? नो सर। ओके, ये 1 बाई माइनस थ्री बाई टू का पावर सिक्स को देखो एक्चुअली क्या होगा, ये अब ये 2 जो है ऊपर आ जाएगा, तो 2 बाई माइनस थ्री, या ऐसे लिख सकते हो कि माइनस टू बाई थ्री का पावर सिक्स आएगा, ये समझ में आ रहा है? देखो तुम। यस सर। अब देखो माइनस का पावर सिक्स, माइनस का पावर इवन नंबर क्या होता है? प्लस, तो प्लस लिख दिए, और ये नंबर तो टू बाई थ्री, तो पावर इसका भी सिक्स, पावर इसका भी सिक्स, कोई दिक्कत है? ये हम लोगों ने पढ़ा था, देखो तो याद करो कि ए इंटू बी का होल्ड द, या ऐसे याद करो ए बाई बी का होल्ड द पावर एम अगर होता है तो ए का पावर एम इंटू बी का पावर एम, ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा सबको? यस सर। तो ये सिक्स पावर टू पे भी जाएगा, ये सिक्स पावर थ्री पे भी जाएगा, तो टू का पावर सिक्स, थ्री का पावर सिक्स। देखो यहाँ पे ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस टू का पावर सिक्स कितना होता है? 64, और थ्री का पावर सिक्स कितना होता है? 729। ओके, सो दिस इज योर आंसर। समझ में आया सबको? हेलो। यस सर। ओके, अभी हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको आप लोग कॉपी कर सकते हो तो कॉपी कर लो। ओके आप लोग कॉपी कर लो। हो गया सबका कॉपी? यस सर। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन लिखा है हम लोगों ने, सिंपलीफाई करना है, ठीक है? एक नंबर है 2 टू द पावर माइनस 1 इनटू 5 टू द पावर माइनस 1 होल का पावर माइनस 1 फिर डिवाइड 4 का पावर माइनस 1, तो इसको कैसे बनाओगे बोलो? पहले माइनस 1 वाला पार्ट को सॉल्व करना है, ठीक है?
अंदर में जो है इसको सॉल्व करना होगा, ये वाला पार्ट। 2 का पावर माइनस 1 मतलब 1 बाई 2, 5 का पावर माइनस 1 मतलब 1 बाई 5, यहाँ पे 4 का पावर माइनस 1 मतलब 1 बाई 4, इसके बाद फिर आगे का सॉल्व करेंगे, ठीक है? ट्राई करो, बनेगा आपसे? सर ट्राई करते हैं। ओके ओके, ट्राई करिए आप लोग। ये बनेगा क्या आपसे? सर आंसर 40। वेरी गुड, वेरी गुड बाबू। सबका बना क्या? हेलो, यस सर। सबका बन गया? सत्यम, दिवांश? सर अभी मेरा बना नहीं है, बना रहे। ओके ओके, ट्राई करो आप लोग। बन रहा है सबका? नो सर, नहीं बन रहा। हेलो, यस सर। ओके, बन रहा है कि नहीं आप लोग का? नो सर, नहीं बन रहा। नो सर। ओके ठीक है, मैं अभी यहाँ पे बताता हूँ, जिन बच्चों का बन गया ठीक है, जिन बच्चों का नहीं बन रहा वो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? देखो यहाँ पे सिंपली क्या करना था। ओके, 2 का पावर माइनस 1 है, इसको हम लोग 1 बाई 2 लिख सकते हैं क्या? इंटू 5 का पावर माइनस 1, इसको 1 बाई 5 लिख सकते हैं क्या? बोलो, होल का पावर माइनस 1, कोई दिक्कत? नो सर। ओके, अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे साइन था डिवाइड का, 4 का पावर माइनस 1, इसको 1 बाई 4 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। ओके, सो अब देखो यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 5 क्या होगा? 1 बाय 10 होगा क्या? बोलो। यस सर। ये समझ में आ रहा आप लोग को? हाँ सर। 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 5 1 बाय 10 होगा ना? यस सर। ओके अच्छा, ये 1 बाई 10 है, ठीक है, यहाँ पे 1 बाई 10 पावर क्या है? माइनस 1। तो अगर मुझे इस नंबर को, यहाँ पे देखो पावर माइनस है, पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, मैं 1 बाई 10 लिख सकता हूँ ऐसे, याद आ रहा सबको? यस सर। पावर 1, फिर यहाँ पे देखो ये डिवाइड है, ये 1 बाई 4 है,
हम लोगों ने फ्रैक्शन में याद करो क्या पढ़ा था कि डिवाइड रहता है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इस नंबर का रेसिप्रोकल, तो 1/4 का रेसिप्रोकल 4 आएगा क्या? हाँ सर। ओके अब देखो ये नंबर 10 क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 10 × 4 आ गया, आंसर कितना आ गया आपका 40। ये समझ में आया? यस सर। ओके ठीक है, आप लोग कॉपी कर लो। सर हो गया। ओके सो अब हम लोग देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन बना पाओगे ना फिर से आप? हेलो हेलो सर, थोड़ा सा बाकी है इसका। ओके ओके कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कॉपी करना है, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से कॉपी करिए आप लोग। अच्छा मैं यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, एवोल्यूट का, पहले आप लोग कॉपी कर लो, इसके बाद बनाएंगे हम लोग, ठीक है? यस सर, हो गया, थैंक यू। ओके सो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको सबको? यस सर। -1/3 एक नंबर है, इसका पावर 2 दिया हुआ, ठीक है, फिर इसका होल का पावर फिर -2 है, ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर में पावर -1 है, दिख रहा है आपको? यस सर। ओके बना पाओगे आप बाबू? सर ट्राई कर। ओके ट्राई करो। आवाज आ रही है क्या? यस सर। बनाओ। सर हो गया। कितना आया? -3 होल टू द पावर 4। माइनस थ्री। ओके सारे बच्चों को बन गया क्या? सर 1 मिनट हो गया बस। देखिए तो बना आपका, सर हेलो 1/18 आ रहा है। 1/18 ओके बाकी सब बचा कितना आया? हेलो यस बाकी सब बच्चों कितना आया? सर मेरा तो -3 होल टू द पावर।
सब बच्चों को अलग अलग आंसर आ रहा, क्या बात है। ओके मैं अब ट्राई करूँ का, मैं ट्राई करूँ। यस सर। ओके मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है आप लोग देखिए। तो करना क्या है यहाँ पे, सिंपली हम लोग को ये पता है, पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस टू को और माइनस वन को, ठीक है। पहले ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपली आपको दिख रहा होगा माइनस वन बाई थ्री पावर टू, ये माइनस टू, ये माइनस टू मल्टीप्लाई होगा, टू आएगा क्या, ये बोलिए आपको। यस सर। यस सर। ओके यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, ए टू द पावर एम का होल टू द पावर एन, याद आ रहा ना, ठीक है ध्यान से देखिए। अब ये टू टू मल्टीप्लाई होगा, बोलो। यस सर। ये फोर हो जाएगा क्या, अब मेरा डिफरेंट आंसर आ गया। अब ध्यान से देखो, अब ब्रैकेट का काम तो हो गया, अब देखो माइनस वन बाई थ्री का पावर फोर, तो माइनस वन बाई थ्री का पावर फोर ये लिखेंगे यहाँ पे। देखो माइनस वन बाई थ्री का पावर फोर, माइनस का पावर फोर क्या होता है, प्लस वन बाई थ्री का होल का पावर फोर, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस वन बाई थ्री का पावर फोर कितना होता है, वन बाई एटी वन आ रहा क्या, देखिए तो सर मेरा 1/18 आया, 18 नहीं 18 आएगा, सॉरी 81 आएगा। यस सर। ओके यहाँ पे 18 आएगा, 18 मतलब सॉरी 18 नहीं आएगा, 81 आएगा। 3 टू द पावर 4 कितना होता है, समझ में आ रहा बाबू आप लोग को। यस सर। ये सबका हो गया, कॉपी कर लीजिए आप लोग। हेलो। यस सर। ये सबका हो गया ना। हाँ सर। ओके सर कॉपी थोड़ा सा बाकी है, कॉपी कर लो। हो गया कॉपी, हेलो कॉपी हो गया बाबू आप लोग का। सर हेलो सबको कॉपी हो गया, सर लास्ट लाइन बचा है। ओके ओके सर हो गया। हो गया ना। अब ये क्वेश्चन ट्राई करना चाहोगे, देखो तो हेलो। यस सर। यस सर। ट्राई करना चाहोगे ये क्वेश्चन। हाँ सर ट्राई करिए।
हो गया क्या? नो सर। ओके ट्राई करो आप लोग। सर हो गया। हो गया कितना है बाबू? 4 to the power 1 into a to the power cube into b to the power 1। फिर से बोली तो आंसर। 4 to the power 1 into a to the power cube into b to the power 1। ओके सबका आ गया क्या? सर बस थोड़ा। हेलो सर बस थोड़ा सा बाकी है। ओके ओके ट्राई करो। सर मेरा आंसर है 4 to the power 1 इंटू a to the power 3 इंटू b to the power 1। ओके सबका आंसर आ गया क्या? यस सर। ओके कोई ऐसा बच्चा है जिनसे ये क्वेश्चन नहीं बना? मैं बताऊं या आप लोग सब बना लिए हैं? सारे बच्चे का हो गया? सर एक बार आप बता दीजिए आंसर। श्योर जरूर जरूर जरूर। देखो सिंपली करना क्या है ना, हम लोगों ने क्या समझा था कि जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा था यहाँ पे, ये देखो सेकंड कॉन्सेप्ट था a टू द पावर m by a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। ये वाला कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। क्यों? दोनों का बेस सेम दिख रहा है आपको, पावर अलग अलग है बट बेस सेम है ना? यस सर। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 4 4 यहाँ पे बेस सेम है, a और a यहाँ पे एक बेस सेम है, b और b यहाँ पे एक बेस सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 by 1 सारे टर्म्स में एक बार यूज करेंगे। तो देखो 4 यहाँ पे देखो दोनों का बेस सेम है ना, 4 4 तो पावर क्या होगा, माइनस होगा इनटू यहाँ पे 8 माइनस 5 होगा, फिर इनटू यहाँ पे 3 माइनस 2 होगा। समझ में आ रहा कि नहीं ये बताइए? यस सर। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे पावर 3 आएगा a का, और b का पावर कितना आएगा 1। तो आपको आंसर आ गया 4 इनटू। यस सर मेरा यही आया। आपका? मेरा भी यही आंसर यही आया। हेलो यस सर मेरा यही आंसर आया। ओके ओके ठीक है, अच्छी बात है। समझ में आ गया सबको ना? यस सर। तो कोई बच्चा है जिसको डाउट है अभी भी? ओके अगर ये डाउट नहीं है तो हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर से। इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। सर बोलो बोलो। सर लास्ट में आप 4a to the power 3 b to the power 1, तो सर 4 का 1 आपने लिखा और सर b का पावर अब 1 लिखा है सर, ऐसा क्यों? अरे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है। हाँ सर ये समझ में आया ना? चलो कॉपी कर लिया आप लोग सब? यस सर। सारे बच्चे कॉपी कर लिए? यस सर। हेलो हाँ सर हो गया। सारे बच्चों ने कॉपी कर लिया ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके 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 अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे, ध्यान से देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आपको, सिंपलीफाई लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करें कितना आ रहा है बताइए। इसको सॉल्व कर पाएंगे क्या आप? यस सर। ओके ट्राई करिए आप लोग।
हेलो, बन रहा बाबू? हाँ सर। ओके ओके, बनाइए। सर आंसर है 2 to the power 10 इंटू 5 to the power -2 इंटू 4 to the power 1। फिर से बोलो आंसर। सर 2 to the power 10 इंटू 5 to the power -2 इंटू 4 to the power 1। देखो, ओवरऑल आंसर जो आएगा वो आएगा 2 to the power 10 इंटू 5 to the power 10। बस इसका जो आंसर होगा ना, इसका आंसर है 2 to the power 10 इंटू 5 to the power 10। ये आंसर है, चेक करो आ रहा है क्या ये। हो गया ये आंसर आया क्या जो मैंने लिखा, 2 to the power 10 इंटू 5 to the power 10? हाँ सर सही आया है। ओके, और बाकी सब बच्चों का बन रहा है क्या? नहीं, मैं बताऊं, सर बता दीजिए आंसर नहीं आया। आपका आंसर लगभग हमको लग रहा आ गया है, बट आप सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं। देखो ठीक है, यहाँ पे देखो, समझो यहाँ पे ठीक है, 2 to the power 8 को हम लोगों ने 2 to the power 8 लिख दिया, ओके नो प्रॉब्लम। 5 to the power 4 को 5 to the power 4 लिखेंगे, ठीक है, समझो यहाँ पे। ये 4 का मतलब क्या होता है? 2 का पावर 2 होता है क्या? यस सर। होल डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ पे 2 का पावर -2 इंटू 5 का पावर -6 इंटू 4 को क्या लिखेंगे फिर से? 2 का पावर 2, फिर होल का पावर 3। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, अगर देखा जाए तो ये तो सिंपली सिंपली कट जा रहा है यहाँ पे, ये पूरा टर्म ये पूरा टर्म के साथ कट जाएगा, तो इसको तो लिखने का फायदा है ही नहीं, सेम सेम नंबर है। ठीक है, ये तो कट गया। अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे एक्सपोनेंट का रूल, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा बोलो? 8 to the power m by 8 to the power n इज इक्वल टू 8 to the power m-n। तो m-n यहाँ पे देखो 2 का पावर 8 फॉर्मूला में माइनस, और ये देखो ये -2 है ना, इधर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2 होगा। पर प्लस हो जाएगा। यहाँ पे सेम 5 to the power 4, ये -6 है, तो ये हो जाएगा +6। देखो 2 to the power 10 इंटू 5 to the power 10 आ गया ना। सर मैंने सिंपलीफाई उसको 4 to the power 3 को नहीं किया था इसलिए। अगर आप सिंपलीफाई भी करोगे देखो सेम ही आ रहा है ना, इसलिए हम लोगों ने ऊपर ही काट लिया। टू यस टू द पावर 3 तो सेम है, कॉमन टर्म है, ठीक है, कॉपी यस कर लीजिए आप लोग। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। एक और सिंपलीफाई करेंगे, पहले आप लोग कॉपी कर लीजिए। सर हो गया। हो गया सबका, हो गया। नो सर। ओके तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या? देखो तो सिंपलीफाई का क्वेश्चन दिख रहा है आपको? ठीक हाँ सर। है, ट्राई करिए सॉल्व करने का। हेलो, यस सर। यस हो रहा है सर। ना सॉल्व? सॉल्व होगा हाँ ना? सर। हाँ सर। ओके ओके, ट्राई करिए आप लोग।
सर आंसर आ गया। कितना आया सर? a टू द पावर 4 b टू द पावर 6 c टू द पावर 5 d टू द पावर -4। a टू द पावर 4 इनटू b टू द पावर 6 इनटू c टू द पावर 5 इनटू d टू द पावर 5 सबका आ रहा क्या? यस सर। ओके मैं आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिए। a टू द पावर 4 इनटू b टू द पावर 6 इनटू c टू द पावर 5 इनटू d टू द पावर 5 ये आंसर आ रहा क्या सबका? सर मेरा d टू द पावर -4 आ गया, वो नहीं आ रहा। क्या रहा है सर? d टू द पावर -4 वो वाला समझ नहीं आया। -4 रहा है? यस सर d टू द पावर -4। नहीं 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 गलत हो गया, देखो देखो समझा रहा हूं मैं। यहाँ पर देखो d का पावर -5 है ना, तो देखो ऊपर में या इधर कोई एक ऐसा टर्म नहीं है जो d में है, सिर्फ एक सिंगल टर्म है ना, तो ये नेगेटिव में है। पॉजिटिव करोगे तो ऊपर में क्या आएगा? 5 आएगा क्या प्लस में? यस सर। देखो मैं आपको फरताता हूँ ठीक है, कैसे करना है समझो। यहाँ लिखूंगा a टू द पावर 6 इंटू b टू द पावर 9 इंटू c टू द पावर 10 ओके डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो a टू द पावर 2 इंटू b टू द पावर 3 इंटू c टू द पावर 5। अब देखो यहाँ पे एक और है d टू द पावर -5 है ना, देखो यहाँ पे इस -5 को समझो, पावर नेगेटिव में है, पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? Yes. तो अगर हम लोग देखो यहाँ पे पावर माइनस में है ना, डी का पावर माइनस में है, इसको प्लस करने के लिए हम लोग ऊपर लेके जाएंगे ठीक है। देखो यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे a टू द पावर 6 बाय a टू द पावर 2 फॉर्मूला क्या लगेगा? a टू द पावर m बाय a टू द पावर n का a टू द पावर m माइनस n, तो यहाँ हो जाएगा 6 - 2। यहाँ पे b टू द पावर 9 - 3 इंटू c टू द पावर 10 - 5 इंटू यहाँ पे क्या आ गया? d का पावर 5 आएगा देखो। यस सर। ओके अब देखो यहाँ पे a टू द पावर 4 इंटू b टू द पावर 6 इंटू c टू द पावर 5 इंटू d टू द पावर 5 यहाँ आ गया सबका? हाँ सर आ गया। आ गया ना? थैंक यू सर। ओके वेलकम बाबू, मेरा काम ही है। चलो ये सब आई थिंक आप लोगों ने बना लिया ना? हाँ सर हो गया। ओके और तो ऐसा कुछ है नहीं जो आप लोग नहीं बना पाओगे, एकदम सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे तो लग रहा है कि आप लोग बना पाओगे आराम से। फिर भी हम लोग यहाँ पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिए। तो 2 to the power 20 divides 2 to the power 15 ओके into 2 to the power 3 ये बना पाओगे क्या? यस सर। कितना आएगा देखो तुम? ओके ये चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है ठीक है बाबू, आप लोग घर में बनाइएगा, जो डाउट होगा फिर हम लोग अगली क्लास में तो कवर कर लेंगे ठीक है। यस आंसर कितना आया? 2 to the power 8। वेरी गुड, द आंसर इज 2 to the power 8। वेरी गुड। अच्छा इसके बाद क्या पढ़ेंगे बताओ आप लोग बाबू? सर ये चैप्टर हो गया लगभग, हो गया। आप लोग क्वेश्चन बनाइए, जो नहीं बनेगा फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो नहीं बना पाओगे आप ठीक है। यूनिटरी मेथड। हेलो सर, यूनिटरी सर, यूनिटरी मेथड का चैप्टर। ओके ओके ठीक है, मैं देखता हूँ क्या चैप्टर स्टार्ट करना है, फिर हम लोग बात करते हैं ठीक है। ऐसे एक्सपोनेंट एंड जो चैप्टर्स है ना हम लोग का, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, तो उसमें जो जो टॉपिक्स था, जो लॉस था, हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी देख लिया। अब आपका काम है अपने बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो नहीं बनेगा फिर हम लोग आपको हेल्प करेंगे वहां पे। सर हम लोग नेक्स्ट क्लास में रैशनल नंबर कर सकते हैं सर, स्कूल में वही हो रहा है। रैशनल नंबर तो रवि सर ने पढ़ाया है ना बाबू? सर
रवि सर ने रैशनल नंबर तो पढ़ाया आई थिंक, इंटीजर्स पढ़ाया तो रैशनल नंबर नहीं पढ़ाया क्या? पढ़ाए ही होंगे सर। यस सर। बाकी रैशनल नंबर पढ़ाए कि नहीं सर ये बताओ मुझे, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे पता नहीं कि रवि सर ने पढ़ाया कि नहीं। बाकी सब बच्चे बताइए आप लोग, रैशनल नंबर हुआ है कि नहीं, बाकी है? सर। हेलो हेलो, यस सर। रैशनल नंबर हुआ है या बाकी है बताइए, अगर अगर बाकी है, अगर नहीं हुआ है तो हम लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बताइए मुझे कि रैशनल नंबर हुआ है कि नहीं आप लोग का। इंटीजर्स हुआ है मुझे याद है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स मैंने पढ़ाया है खुद तो मुझे वो याद है। अभी देखो एक्सपोनेंट एंड पावर्स लगभग हो चुका है, ओके तो आप लोग उसको बनाइएगा और प्रैक्टिस करिए इस पे। अब इसके बाद रैशनल नंबर हुआ है कि नहीं मुझे पता नहीं है, मुझे याद नहीं है, आप बताइए मुझे कि रैशनल नंबर हुआ है कि नहीं। दिवांश हुआ है बाबू रैशनल नंबर? नो सर। हुआ है? नो सर। नहीं हुआ है? नहीं सर। ओके ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग रैशनल नंबर अगले क्लास में। यस सर। ठीक है ना? यस सर। बन रहा है तो ये सबका बना, 2 to the power 8 आया क्या? यस सर। सबका बना? हेलो। हाँ सर। सबका बन गया, 2 to the power 8 आया सबका? सर एक मिनट सर। हाँ सर बना रहा बस। ओके ओके बनाइए जल्दी जल्दी बनाइए। आया सबका? यस सर। ओके ईशानी आया बाबू आपका? दीपिका हाँ सत्यम? सर। हाँ सर। ओके ठीक है, तो अब आप लोगों का काम क्या है बोलो, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके बुक में एक्सरसाइज सॉल्व करो, जो नहीं बनेगा आप क्वेश्चन व्हाट्सएप में भेजना, हम लोग सॉल्व कर लेंगे या तो फिर क्लास में हम लोग बता देंगे और अगले दिन हम लोग रैशनल नंबर स्टार्ट करेंगे। ठीक है? यस सर। ठीक है ना? हाँ सर। ओके बाय बाय, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सर। थैंक यू सर। वेलकम बाबू। थैंक यू सर। वेलकम बाबू वेलकम।